तो चलिए हम आग के प्रकार को जानने की कोशिश करते हैं। आग का पहला प्रकार है क्लास ए फायर। क्लास ए टाइप की जो फायर होती है उसमें लकड़ा, प्लास्टिक, पेपर आदि चीजों का समावेश होता है। इन चीजों में लगने वाली आग को क्लास ए फायर कहा जाता है। क्लास बी प्रकार की जो फायर होती है इसमें जलने वाले लिक्विड फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिथेनॉल, इन चीजों का समावेश होता है। क्लास सी टाइप की जो फायर होती है इसमें जलने वाले वायु यानी कि गैसेस जैसे कि LPG, CNG, PNG इन सब का समावेश होता है। क्लास डी की जो फायर होती है ये जलने वाले मेटल जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, इनमें लगने वाली आग को क्लास डी फायर कहा जाता है। लेकिन इसमें एक और क्लास आता है जिसे हम क्लास ई भी बोल सकते हैं, अदरवाइज आप उसको सिंपली इलेक्ट्रिकल फायर बोलिए। इसको सेपरेट रखा गया है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल फायर कोई चीज़ होती नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ सोर्स ऑफ इग्निशन होती है और आप इसको, इस फायर को जिस टाइप का फ्यूल जैसे कि लकड़ा है या पेट्रोल जल रहा है या कोई और चीज़ जल रही है उस हिसाब से आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलिए।